महाराष्ट्र में आज नए सीएम देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह। शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में लेंगे शपथ। देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह में कई केंद्रीय मंत्रियों सहित बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। करीब 70 वीवीआईपी मंच पर मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 400 से ज्यादा साधु संतों को भेजा गया न्योता। 40,000 से ज्यादा लोग बनेंगे समारोह के गवाह। शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस के 520 अफसर सहित करीब 4,000 जवान आजाद मैदान के चप्पे चप्पे पर रखेंगे नजर। पुलिस के अलावा स्टेट रिजर्व पुलिस पोस्ट की एक प्लाटून और क्विक रिस्पॉन्स टीम भी रहेगी मौजूद। बॉम्ब स्क्वाड की भी टीम की गई तैनाती। देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को सरकार बनाने का पेश किया दावा। महायुति के तीनों दलों ने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी। फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी राज्यपाल से मिले। एक ही कार में बैठकर गए तीनों नेता। राजभवन पहुंचे, राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता दिया। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शिंदे जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए अनुरोध किया था। फडणवीस ने कहा, मैंने एकनाथ शिंदे जी से मंत्रिमंडल में शामिल होने और डिप्टी सीएम की शपथ लेने का अनुरोध किया। अजीत दादा भी डिप्टी सीएम होंगे। फडणवीस का महायुति की एकता पर जोर। बोले, हम तीनों नेता एक ही हैं। पिछले 2.5 साल में मिलकर काम किया, आगे भी मिलकर जनता के हित में काम करेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा, 2.5 साल पहले फडणवीस ने मेरा समर्थन किया, आज मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। मैं अपने 2.5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान, एक हैं तो सेफ हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का आज होगा कैबिनेट विस्तार। दोपहर 12 बजे राजभवन में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक सोरेन सरकार में जेएमएम के 5 मंत्री शामिल होंगे, जबकि कांग्रेस के 8 और आरजेडी के 1 विधायक को मंत्री पद की शपथ। जेएमएम नेता मऊआ मांझी ने बताया, मंत्रिमंडल विस्तार में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश। सभी मंत्री मिलकर विकास का काम करेंगे। वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने केरल के सांसदों के साथ गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावितों के लिए 2221 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के घर पर एनडीए के नेताओं के लिए डिनर का विशेष आयोजन। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी डिनर में शामिल हुए। संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन आज। संभल हिंसा के मुद्दे पर आज भी हंगामे के आसार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सांसदों से अपील, संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन न करें, सदस्यों को आने जाने में दिक्कत होती है। लोकसभा में रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 पर चर्चा हुई। सपा सांसद नीरज मौर्य ने कहा, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन ना हो। बिल पर चर्चा के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम का फोकस जनरल कोच के यात्रियों के लिए सेवाएं बेहतर करने पर है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में शहीद आजम भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। कहा, भगत सिंह की शहादत के 93 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम उनके हिस्से का सम्मान उन्हें नहीं दे पाए। राघव चड्ढा ने अमर शहीद भगत सिंह को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताते हुए कहा, उन्होंने अपनी जवानी, अपने सपने और अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुसीबत पड़ी। 24 जून को हुए कार हादसे मामले में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक हादसे में मारे गए युवक गौरव के पिता समर पाल ने सांसद बर्क पर लगाया कार चलाने का आरोप। एएसपी को सौंपी गई जांच, 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा पर जारी किए सख्त निर्देश। कहा, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाए। सीएम योगी ने राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, संभल या किसी भी जिले में किसी को अराजकता फैलाने की नहीं होगी इजाजत। जनता का सहयोग लें और हर एक उपद्रवी को सजा दिलाएं। राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने पर नाराज हुए कांग्रेस चीफ खड़गे। कहा, बीजेपी और आरएसएस संविधान की धज्जियां उड़ाने में व्यस्त हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का सवाल, राहुल गांधी संभल क्यों जाना चाहते हैं? क्या वो देश में आग लगाना चाहते हैं? असम सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक समारोह और सार्वजनिक जगहों पर बीफ को किया बैन। सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने दी फैसले की जानकारी। प्रस्तावित बिजबेहरा अवंतीपोरा पुलवामा रेल लाइन को लेकर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, लोगों के पेट पर लात मारकर विकास नहीं हो सकता है। मुंबई में सलमान खान की शूटिंग साइट पर एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। पकड़े गए युवक ने खुद का रिश्ता गैंगस्टर बिश्नोई से बताया, लोगों ने पुलिस के हवाले किया। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 सोलर मिशन आज शाम 4:12 पर लॉन्च होगा। स्पेस क्राफ्ट में खामी की वजह से इसरो ने कल लॉन्चिंग टाली थी। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कूनो नेशनल पार्क को मिले 2 चीतों की सौगात। अग्नि और वायु नर चीतों को जंगल में छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, चीतों के साथ राज्य का पर्यटन भी रफ्तार भरेगा। देश में इस धरोहर को हम और आगे ले जाएंगे। मध्य प्रदेश में अमरकंटक में जंगल के पास के इलाके में टाइगर घुसा। वन विभाग की टीम लगातार बाघ की लोकेशन मॉनिटरिंग में जुटी। इलाके में कैमरे लगाए गए।
अयोध्या में नया घाट हेलीपैड से हॉट एयर बलून की सेवा शुरू हुई। 10 मिनट की राइड के लिए 999 रुपए देने होंगे। 250 फीट की ऊंचाई से अयोध्या का भव्य नजारा देख सकेंगे लोग। जयपुर में सर्व हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। पुरुष जूनियर एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता खिताब। पाकिस्तान को 5-3 से हराया। हॉकी इंडिया ने पुरुष जूनियर एशिया कप में भारत की जीत के बाद पुरस्कार का किया ऐलान। सभी खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए।